नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी रसोई में। आज हम आलू और सूजी से बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता बनाएंगे। यह बहुत स्वादिष्ट लगता है दोस्तों और कम तेल में बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। आप इसे बच्चों के टिफिन या फिर हस्बैंड के लंच बॉक्स में दे सकते हो, बहुत फटाफट से बन जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक बाउल में एक कटोरी लगभग रवा लिया है और आधा कटोरी दही लिया है, घर का जमा हुआ दही है। आप जितना रवा लोगे ना उसका आधा आपको दही ले लेना है और स्वाद अनुसार नमक डाल लेना है दोस्तों। और इसको ना बढ़िया से मिक्स कर लेना है इस तरीके से। देखिए बढ़िया से मिक्स हो गया है, तो अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका गाढ़ा घोल तैयार करेंगे। एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालना है दोस्तों, क्योंकि जो रवा है ना पानी पीने में बहुत माहिर होता है ना, इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका घोल तैयार करना है। तो थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा था तो मैं इसमें थोड़ा पानी और डाल रही हूँ और इसको बढ़िया से इस तरीके से मिक्स कर लेना है। और ये देखिए बढ़िया मस्त गाढ़ा घोल तैयार है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ढककर 20 मिनट के लिए रख देंगे, जिससे जो रवा है बढ़िया से फूल जाएगा। इधर मैंने एक पैन में 3 चम्मच सरसों तेल डाला है दोस्तों, और तेल जब बढ़िया से गर्म हो जाएगा ना तब हम इसमें आधा चम्मच राई और आधा चम्मच जीरा डालेंगे और इसको थोड़ा भून लेंगे, जब तक कि हमारा जो राई है छिटकने ना लगे इस तरीके से, है ना। उसके बाद हम इसमें बारीक कटा हुआ हरी मिर्च डालेंगे और इसको भी थोड़ा चला लेंगे। फिर हम इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे और इसको भी हमें बढ़िया से भून लेना है दोस्तों। गैस का फ्लेम मीडियम रखना है, हमें प्याज को ना गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस इसको सॉफ्ट ही करना है। और ये देखिए प्याज का कलर चेंज हो गया है। तो अब हम इसमें कूटा हुआ अदरक और लहसुन डालेंगे। इस तरीके से कूट कर डालने से ना इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसे हम कुछ समय के लिए भून लेते हैं जिससे इसका कच्चापन निकल जाए। अब हम इसमें नमक डालेंगे, हमने रवा में भी नमक डाला है दोस्तों। आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच से भी थोड़ा कम हल्दी पाउडर और आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच चाट मसाला और आधा चम्मच भुना हुआ जीरा डालेंगे और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे, है ना, ताकि हमारा मसाला जले ना। और इसको हमें 1 मिनट तक बढ़िया से भून लेना है दोस्तों इस तरीके से मसालों को। और देखिए कितना प्यारा कलर आ गया है, मसाला हमारा भून चुका है। तो अब हम इसमें आलू डालेंगे। हमने 3 आलू को पहले ही उबाल कर रखा था, अब इसको इस तरीके से हाथों से बढ़िया से मैश कर लिए हैं दोस्तों। अभी हम इसे मसाले में डालकर इस तरीके से बढ़िया से मसालों में मिक्स कर लेना है और जो इसके मोटे मोटे भाग होगा ना उसको चम्मच से इस तरीके से हमें इसको मैश करते जाना है और हमें इसे मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट तक बढ़िया से भून लेना है। और ये देखिए दोस्तों मुझे आलू को भूनते हुए 2 मिनट हो चुके हैं और ये आलू का मसाला बनकर बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं मसाले को। जो रवा भिगा कर रखे थे ना उसे देख लेते हैं। और ये देखिए रवा हमारा बढ़िया से फूल चुका है 20 मिनट में। और अगर आपको ज़्यादा गाढ़ा लगे तो आप इसमें थोड़ा पानी डाल सकते हो। अभी मैं इसमें थोड़ा सा खाने वाला सोडा डाल रही हूँ दोस्तों, आप चाहो तो इसमें इनो भी डाल सकते हो। और इसको बढ़िया से मिक्स करेंगे। इसे डालने से ना जो हमारा नाश्ता है बहुत फूला फूला और बहुत सॉफ्ट बनेगा। उसके बाद हमें इस तरीके से छोटे छोटे कटोरी ले लेना है दोस्तों और उसमें बढ़िया से तेल लगा देना है, है ना। जब हम ये सूजी का बैटर डालेंगे ना तो फिर चिपकेगा नहीं इसमें। देखिए इस तरीके से पूरे कटोरी में हमने बढ़िया से तेल लगा लिया है। इसके बाद हम जो सूजी का मिश्रण है ना उसको इसमें डालेंगे। थोड़ा थोड़ा डालना है दोस्तों, आधा कटोरी, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि जब ये फूलेगा ना तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और इसी तरीके से हमने सारा मिश्रण डालकर तैयार कर लिया है। तो अभी हम इसको पकाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई लिया है, आप कढ़ाई या जो भी आपके पास बर्तन हो उसमें आप इसे पका सकते हो। अब इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे और इस तरीके से स्टैंड ले लेना है। स्टैंड ना हो तो आप ढक्कन भी ले सकते हो और फिर एक एक करके जो मिश्रण डाले थे ना कटोरी में उसको इस तरीके से रख देना है, है ना। और ये देखिए हमने इसको गैस पर चढ़ा दिया है पकने के लिए और ढक्कन बंद कर देंगे। तो ढक्कन में जो छेद है ना उसको हम आटे से बंद कर देंगे ताकि जो भाप है वो बाहर ना आए और जो हमारा रवे का जो मिश्रण है बढ़िया से पक जाए भाप से। और देखिए बढ़िया से उबाल आने लग गया है। तो हमें इसे 15 मिनट तक पकाना है दोस्तों, गैस का फ्लेम मीडियम रखना है। और ये देखिए 15 मिनट हो चुका है। तो अब हम इसे चेक कर लेते हैं।
तो इस तरीके से हमें चाकू या फिर इस तरीके से इसको चेक कर लेना है। देखिए बैटर बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है, ये हमारा इडली बनकर तैयार है। तो अब हम क्या करेंगे, गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और इसको ठंडा होने देंगे। और ये देखिए ये बढ़िया से ठंडा हो गया है, तो अब हम इसको निकालेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक चाकू लेना है और इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से इसके चारों तरफ घुमाना है। ऐसे करने से ना ये बहुत आसानी से निकल जाता है। ये देखिए ऐसे घुमा लेना है और उसके बाद फिर हाथ में इस तरीके से पलट लेना है। और ये देखिए दोस्तों कितना प्यारा कितना सॉफ्ट हमारा इडली बनकर तैयार हुआ है। तो इसी तरीके से हमें सारे कटोरी से ये जो रवे का इडली है उसको निकाल लेना है। और ये देखिए अब हम इसको क्या करेंगे, चाकू की सहायता से ना बीच से इसमें ऐसे कट लगाएंगे। इसको पूरा नहीं काटेंगे दोस्तों, बस थोड़ा सा बचा देना है ना लास्ट में। इस तरीके से पूरा गोलाई में काटना है और हल्का सा रहने देना है। देखिए अभी दिखाती हूँ मैं, और ये देखिए है ना, इस तरीके से हमें काट लेना है। और हमने इसी तरीके से पूरे जो कटोरी वाला इडली है काट कर तैयार कर लिया है। तो अब हम थोड़ा सा आलू का मिश्रण लेंगे, थोड़ा मतलब थोड़ा ज़्यादा ही लेना है, एकदम थोड़ा नहीं लेना है, थोड़ा ज़्यादा लेंगे ना तभी खाने में मज़ा आता है। और फिर इस तरीके से थोड़ा हल्का गोल शेप देकर तैयार करना है। फिर हमें इसे जो कट लगाए हैं ना इडली वाला जो बनाए हैं नाश्ता, उसमें बीच में इस तरीके से डाल लेना है दोस्तों। ये देखिए इस तरीके से डालकर इसको बढ़िया से दबा देना है हल्के हल्के हाथों से। इसी प्रकार हमें सारे रवे इडली में जो आलू का मसाला है ना उसे भरकर तैयार कर लेना है। इस तरीके से बस गोल गोल मसाले बहुत अच्छे से डालना है दोस्तों, तभी बहुत अच्छा बनता है। और ये सारे मसाले भरकर तैयार है, तो अब हम इसे सेक लेते हैं। तो इसके लिए मैंने एक तवा लिया है, उसमें आधा चम्मच तेल डालकर इस तरीके से बढ़िया से फैला देना है और एक एक करके जो हमारा मसाला वाला इडली है ना उसको डाल देना है दोस्तों। और इसको बढ़िया से अलट पलट कर सेक लेना है। गैस का फ्लेम मीडियम रखना है। यह बहुत स्वादिष्ट और बहुत हेल्दी नाश्ता है दोस्तों, और कम तेल में भी बन जाता है। यह खाने में तो बहुत स्वादिष्ट लगता ही है। और ये देखिए कितना सुंदर कलर आया है। तो एक तरफ से हम इसको पलटा दिए हैं, तो दूसरे तरफ से भी हमें इसे इसी तरीके से सेक लेना है। और ये हमारा नाश्ता बिल्कुल तैयार है, दोनों तरफ से बढ़िया से सिक चुका है। तो हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। और ये लीजिए दोस्तों, हमारा ज़बरदस्त टेस्टी और हेल्दी रवे का नाश्ता बनकर तैयार है। आप इसे मसाला आलू का मसाला भरा हुआ इडली या फिर रवे का बर्गर कह सकते हो। यह बहुत स्वादिष्ट लगता है और कम तेल में बहुत आसानी से बन जाता है। आप इसे अपना मनपसंद कोई भी चटनी के साथ खा सकते हो, लेकिन हमने जो इसमें इतना चटपटा आलू का जो मसाला बनाया है ना दोस्तों, तो चटनी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ये ऐसे ही बहुत स्वादिष्ट लगता है। आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आप भी बनाइए खाइए और स्वस्थ रहिए। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।